टीम इंडिया के चैंपियन बनते ही पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने पढ़ा भगवद गीता का पाठ, पूरे पाकिस्तान में हो गया वायरल। चाहे वो आइंस्टाइन है, चाहे वो न्यूटन है, चाहे वो जितने भी मॉडर्न साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत बड़े बड़े रिसर्च किए हैं, उन्होंने भी ये माना है कि वो वेदों से, उपनिषदों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। लेकिन हम लोगों ने मेरा ख्याल है ज़हन छोटे कर लिए हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। मैं मुसलसल आज एक खबर, एक चीज और वायरल हो रही है। मौलाना तारिक जमील साहब, मैं रिसेंटली उनकी एक वीडियो क्लिप देख रहा था जिन्हें पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका फॉलो करता है। उन्होंने बोला कि भाई मैं राजपूत चौहान हूँ, मतलब हम हिंदू थे। हम राजपूत चौहान हैं, पृथ्वीराज का एक बेटा था रामदेव चौहान, तो हम लोग उसकी नस्ल में से। हिंदुइज्म की अगर बात करें, ये सिविलाइजेशन है या रिलीजन है? देखिए, मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, पर मैंने जितना भगवत गीता, रामायण, वेदों और ग्रंथों का एडुकेशन लिया है, तो उस हिसाब से जितना मैं जानती हूँ, भारत और सनातन धर्म में कहा ये जाता है कि ये तो बहुत पहले हिंदू स्क्रिप्चर्स में मल्टीवर्स को बयान कर दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया है उसी के अंदर। देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय अभी पाकिस्तान के सोशल मीडिया में पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी शोएब अख्तर ने भारत की T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक पोस्ट डाला जो कि भगवत गीता पे था, वो काफ़ी वायरल हो रहा है। लेकिन इसी के साथ किसी पाकिस्तानी द्वारा हिंदू धर्म से रिलेटेड भगवद गीता को कोट करना, कह सकते हैं काफ़ी रेयर घटना है। लेकिन इसमें कोई दो शक नहीं कि दुनिया के अंदर भले हिंदू धर्म की फिलॉसफी और धर्मों की तरह दूसरों पर हावी होने की नहीं रही और अपनी फिलॉसफी किसी के ऊपर थोपने या जबरदस्ती मनवाने की कभी नहीं रही, लेकिन फिर भी दुनिया के अंदर बड़े बड़े साइंटिस्ट हों या लोग हों, उन्होंने हिंदू धर्म से इंस्पिरेशन लिया और कई तो अपनी सफलता का राज भी हिंदू धर्म से रिलेटेड स्क्रिप्चर्स को दिया, जिनमें खासतौर आइंस्टाइन और ओपेनहाइमर का नाम काफ़ी टॉप पे है। लेकिन जिस पर सवाल ये भी उठता है कि आखिर दूसरे तो इंस्पायर हो गए, लेकिन जो खुद हिंदू धर्म के लोग हैं वो इतने इंस्पायर क्यों नहीं हो रहे अपने ही धर्म के स्क्रिप्चर से? जिस पर मुझे लगता है कि इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर छोटे शब्दों में बोलूं तो कह सकते हैं कि जैसे दिया तले अंधेरा होता है या फिर घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी जिसके पास जो चीज अबंडेंस होता है उसकी वो वैल्यू या कदर नहीं करता या फिर नहीं समझता। ये जानना चाहूंगी कि जिस मल्टीवर्स को डिस्कस हम आज कर रहे हैं, कहा ये जाता है कि ये तो बहुत पहले हिंदू स्क्रिप्चर्स में मल्टीवर्स को बयान कर दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया है उसी के अंदर। क्या ऐसा है और उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है मल्टीवर्स का, प्लीज हमें बताइए। मल्टीवर्स को समझने के लिए, मल्टीवर्स क्या है? यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, ठीक है, एंड मल्टीवर्स मीनिंग मल्टीपल ब्रह्मांड, मतलब इन्फिनाइट ब्रह्मांड, अनंत। अब कुछ ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं जिसमें कि स्पेशली मल्टीवर्स की थ्योरी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको, आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगी। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर, जो सबको पता भी है, वो है भगवद गीता में श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया और उस विराट रूप में अर्जुन ने क्या देखा, उस विराट रूप में अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण ही यूनिवर्स हैं, ब्रह्मांड हैं, और उस उनके उस रूप में एक यूनिवर्स नहीं दिखा, उनके उस रूप में अनंत यूनिवर्स जो क्रिएट हो रहे हैं और जो विलीन भी हो रहे हैं, मतलब उनका डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। तो कृष्ण के अंदर अनंत ब्रह्मांड एक ही टाइम में क्रिएट भी हो रहे हैं और डिसॉल्व भी हो रहे हैं। और उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि अर्जुन के इससे पहले बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, ये भगवद गीता में बताया जाता है। इसी तरह मैं आपको लेके, भगवद गीता कितनी पुरानी है? भगवद गीता कुछ 5 से 6 हजार साल पुरानी है। अब हम इससे पहले चलते हैं रामायण। तो एक रामायण में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आपको मिलेंगे जो ब्रह्मांड की, अनंत ब्रह्मांड की थ्योरी को बताते हैं।
एक ऐसा इंसिडेंट है जब श्री राम का जन्म होता है तो वो अपने राजमहल में एक बच्चे के रूप में, भगवान एक बच्चे के रूप में खेल रहे हैं। श्री राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। तो जब श्री राम टेंथ अवतार कल्कि, टेंथ जिन्होंने आना है, ये दस अवतार हैं, दशा अवतार बोलते हैं, वो है कलयुग के एंड में कल्कि अवतार, ठीक है, कल्कि अवतार। उनकी माता, माता कौशल्या, जिसको ये नहीं पता है कि मेरा बच्चा एक भगवान का अवतार है, ठीक है, वो अपने बच्चे को जब खेलते हुए देखती हैं और उसके पीछे पीछे भाग रही हैं और उसको कुछ खिलाने की कोशिश करती हैं, तो जब श्री राम अपना मुंह खोलते हैं तो मुंह में उनकी माँ देख के चकित रह जाती है, क्योंकि अंदर वो देखती है कि श्री राम के मुंह के अंदर अनंत ब्रह्मांड है। तो यूनिवर्स, मल्टीपल यूनिवर्सेस इनसाइड श्री राम्स माउथ शी सीज। देन शी आल्सो सीज कि वो इससे पहले भी बहुत सारे जन्म ले चुकी हैं और इससे पहले भी बहुत सारे जन्मों में वो श्री राम की माँ रह चुकी। तो शी सीज हरसेल्फ एट द सेम टाइम इन मल्टीपल ब्रह्मांड। अब एक रामायण में एक और कथा आती है जिसे योग वशिष्ठ कहते हैं। ये गुरु वशिष्ठ और श्री राम के बीच की बातचीत के बारे में इसका वर्णन है। अब यहाँ ये प्रसंग है कि भगवान, जो कि एक इंसान के रूप में है, वो अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो जब वो गुरुकुल में जाते हैं तो वहां पे वशिष्ठ श्री राम को टाइम ट्रैवल करवाते, उनको दिखाते हैं कि ये जो बालक यहाँ पे गुरुकुल में उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये एक पैरेलल अलग ब्रह्मांड में भी, एक अलग गुरुकुल में भी वो सेम बालक हैं। और ये भी दिखाते हैं कि श्री राम ने इस मल्टीपल ब्रह्मांड में मल्टीपल जन्म लिए। ये रामायण में इसकी रचना है। जो मैं आपको वेद की बात बता रही थी, वेदों में एक चैप्टर में एक सूक्त है, उसमें ये वर्णन किया गया है कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ और कैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड एक ही समय में बनते हैं और डिसॉल्व होते हैं। सो इट्स अ साइक्लिकल नेचर, इट्स अ साइक्लिकल कंटिन्यूस साइक्लिकल नेचर, जिसको बहुत ही खूबसूरती से शिव पुराण में शिव तांडव, जो शिव का तांडव नृत्य है, ठीक है, उसकी, बाय द वे, स्विट्जरलैंड में देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सर्न, CERN, सर्न, या एग्जैक्टली, आई नो दैट, या, ठीक है, सर्न के कंपाउंड में बाहर शिव का तांडव रूप का एक बहुत ही बड़ा स्टैचू इंस्टॉल्ड है। जी जी जी, तो बिल्कुल, वो तांडव कंटिन्यूस है, मीनिंग उनका तांडव यूनिवर्स में कंटिन्यूसली चल रहा है, बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूस साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन।